गुना जिले के बजरंगगढ़ थाना अंतर्गत एक युवक अनिल जाटव की लाश मिली है। परिजनों ने बताया कि पुलिस द्वारा की गई वसूली के चक्कर में बजरंगगढ़ नदी में कूदकर जान दे दी। मृतक परिजन के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार अनिल जाटव पुत्र मदनलाल जाटव उम्र 31 साल निवासी भुल्लनपुरा का रहने वाला है, जो कि 3 दिन पहले शराब पीने के लिए बूढ़े बालाजी स्थित कलारी पर पहुंचा था। यहीं पर सिटी कोतवाली के कुछ पुलिस कर्मियों ने उसको पकड़ा और शराब पीने के कारण उस पर 1000 की रसीद काट दी। उक्त परिजनों का आरोप है कि 3000 घर से मंगाए गए, जो वह पत्नी की पायल बेच कर दिए। पुलिस को उसके बाद युवक उसी दिन से गायब था, जिसकी लाश आज बजरंगगढ़ टोल टैक्स के पास नदी में तैरती हुई मिली। ये अनिल जाटव उम्र करीबन 30 साल है और ये भुल्लनपुरा में रहते हैं, गुना कोतवाली में, और इसकी डेड बॉडी वहाँ बजरंगगढ़ थाने में जो पुलिया है उसके पास तालाब है वहाँ पर मिली है। उसका अभी पीएम कराने के लिए ले जा रहे थे, इसी दौरान यहाँ पर परिवार वाले हैं रोड पे खड़े हो गए और उनसे चर्चा की है, और चर्चा करने के बाद पीएम कराने के लिए राजी हो गए। उसमें जांच करेंगे और जांच में जो भी तथ्य पाए जाते हैं उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर, वैसे क्या कारण पाया गया कुछ ऐसे जनता के अनुसार? ये पीएम के बाद ही स्पष्ट होगा, वो चूँकि पानी में डेड बॉडी मिली है और पीएम कराने के बाद उन परिवार वालों से कथन लेने के बाद जो भी स्थिति स्पष्ट होगी उस अनुसार कार्रवाई होगी। अनिल कुमार कैम्प, क्या हुआ है घटना इसके साथ? इसमें घटना ये ही, कलर लेने दुकान पे गया, कलर लेने वाले दुकानदार ने ये कहा कि 1 घंटे बाद तैयार होगा कलर, तो वो कलर ना लेने के बजाय बेलदार और अनिल कुमार जाके और ठेके पे बैठ गए, एक बॉटल ले लिया सफ़ेद का, वो पिया, एक दरोगा चला, दोनों को चपत कर लिया, पकड़ लिया, मतलब पकड़ के कोतवाली में ले आए। फिर क्या हुआ? कोतवाली में दरोगा ने कहा कहना आप 1 आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले आओ, 2 फोटो ले आओ और 3000 रुपये दे दो, आप पे केस नहीं बनेगा। केस बना दिया, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा दी और 2 ही फोटो ले लिए। फिर इसके बाद जो है ना, ये छोड़ दिए दोनों बेलदार और इसको। बड़े भाई मेरे पास पहुंचे थे, जीजाजी की जो है उसका पता नहीं है, क्या नाम है, अनिल का पता नहीं लग रहा, रात को भी नहीं आया और अभी भी जो है ना, मतलब ना सारे थाने वगैरह जो हम उनका थाने में, तो मैंने भी लगा देता हूँ फोन, जानकारी ले लेता हूँ, लेकिन जो है थानों में कहीं पे भी जो है ना इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं आई। मेरे भाई का साला है, तो भाई का साला है, मेरा खुद का भी साला है, और कल जब पता लगा कि जो है यहाँ पे बूढ़े बालाजी पे कोई दरोगा जो है पहुँचाया मुझे, दारू वगैरह इन्हें ली है, दारू वगैरह पी है इन्हने, ड्रिंक की है, और ड्रिंक करते में जो है ना पकड़ करके उसे लेकर के, जैसी मुझे जानकारी लगी है, जैसा मुझे बताया गया है, दरोगा जी ने कहा कि 3000 रुपये मुझे तू दे दे, मैं तुझे नहीं छोड़ दूंगा, केस वेस नहीं बनेगा, इस प्रकार की बात जो है ना उससे। तो उसके पास पैसे नहीं थे, वो घर आया, जैसा घर वालों ने बताया कि बहू की जो है ना पाजब उतरवाई,